हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम जियो के फीचर फ़ोन को प्री बुक करा सकते हैं और उसके फीचर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जियो के फ़ोन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो हाई गाइज, दिस इज़ क्रिस और आप देख रहे हैं टेक टू क्रिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फोन प्री बुक कराने के लिए jio.com पे जाइए एंड देन बुक नाउ पे क्लिक कीजिए। देन आपको 10 digits का डिजिट का आपका नंबर डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर कौन सा भी नंबर डाल सकते हैं, तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए एंड देन सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते रहिए, ऊपर हो जाएगा और थोड़ा साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए नहीं हो रहा है। देन आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सबमिट तो यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है, तो पिन कोड वही डालना है जहाँ पे आप जाके फ़ोन को डिलीवरी ले सकते हो एंड देन प्रोसीड करना है। देन एक पेमेंट का पेज आएगा, अभी उस पर जाके आपको पे करना है। तो आप पेमेंट 500 rupees पे करना है आपको। पेमेंट बहुत से टाइप है पेमेंट करने के लिए, जियो मनी, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। तो मैं डेबिट कार्ड से करता हूँ, तो डेबिट कार्ड पे आप कहाँ से भी कर सकते हो। मैं डेबिट कार्ड से करता हूँ, बस आपको डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालना पड़ेगा, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CV एंड देन डेबिट कार्ड का जो भी नाम है आपका वो दबाना है और वो फिलअप करके आपको डालना है उसके ऊपर कार्ड नंबर डालना। मैं कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, कार्ड नंबर देन एक्सपायरी डेट वगैरह डाल लीजिए सब। देन आपको पेमेंट कर देना है 500 rupees की। नाम डालना है, और पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट कट हो जाएगी और आपका फ़ोन 500 rupees में रजिस्टर हो जाएगा और आपके OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट से 500 rupees कट हो जाएंगे और आपका फ़ोन जो है प्री बुक हो जाएगा आपको। फिर बाद में फ़ोन आने के बाद आपको 1000 rupees दे के रिटेलर से वहाँ से फ़ोन आपका ले लेना है। अभी ये पेमेंट हो जाएगी, ये देखिए, ये बोल रहा है योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, आपका फ़ोन प्री बुक हो गया है, ये डन हो गया है। ऐसे आप जियो का फ़ोन प्री बुक करा सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अभी बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फ़ीचर्स जान ले, तो इसमें कुछ ख़ास फीचर्स भी हैं, ये फीचर्ड फ़ोन ही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर बोले तो जियो असिस्टेंट बोल के है। जियो असिस्टेंट बोले तो आपको जो आईफोन में वगैरह फ़ीचर आते हैं, कॉलिंग, आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो आप वॉइस कमांड देते हो, कॉल दिस, कॉल दिस नंबर एक्सेट्रा, कॉल रवि, कॉल तो आज कुछ भी कमांड दोगे आप जियो असिस्टेंट को तो वो आपकी कमांड पूरी कर देगा, और कॉल नहीं तो प्ले म्यूज़िक ऐसा कुछ बोलोगे तो उसमें चालू हो जाएगा। और दूसरा फीचर बोले तो इसमें इंटरेस्टिंग, आप सीधा इससे जियो टीवी से बोलते टीवी से कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन, और आपके जो भी मूवीज़ वगैरह कुछ भी है और वीडियोज़ वगैरह है वो सीधा मूवीज़ को टीवी पे देख सकता हो फ़ोन को कनेक्ट करके टीवी से। तो ये भी एक खास फीचर दिया है दोस्तों इसको। और इसमें प्री इंस्टॉल जियो के ऐप्स आएंगे जो आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, और टॉर्च लाइट है और कॉल्स वगैरह SMS तो वो तो है, होता ही है, और हाई HD कॉल्स है इसको, 4G सपोर्टेड है, VoLTE सपोर्टेड है और 22 लैंग्वेज सपोर्टेड करता है ये फ़ोन। तो आप किसी भी लैंग्वेज में और कोई भी स्टेट में होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा, इंग्लिश करो, हिंदी करो, मराठी करो, गुजराती करो, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ये कर सकते हो या फ़ोन को। और इसका आप इससे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसका कैमरा है ना 2 megapixel रियर कैमरा है और 0.3 इसका फ्रंट कैमरा है, VGA कैमरा है इसको, तो आप इससे वीडियो कॉल भी कर सकते हो। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों कुछ। इसका डिस्प्ले साइज़ 6.09 बोल तो 2.4 का है,
स्क्रीन रेजोल्यूशन 320x240 के है, ऑपरेटिंग सिस्टम KaiOS है, सिम स्लॉट सिंगल सिम ही है और सिम की साइज़ जो है वो नैनो सिम है, कलर ब्लैक है, हैंडसेट और बॉक्स में आपको मिलेगा हैंडसेट रिमूवेबल बैटरी चार्जिंग चार्जर अडैप्टर और क्विक स्टार्ट गाइड वारंटी कार्ड एक्सेट्रा वगैरह और सिम कार्ड। देन परफॉर्मेंस में आए तो प्रोसेसर इसका ड्यूल कोर है, रैम 520 MB रैम है और बैटरी कैपेसिटी बोली तो इसकी बैटरी कैपेसिटी 2000 mAh है लीपो की, टॉक टाइम अप टू 12 आवर्स का है, स्टैंड बाय 15 डेज का, स्टोरेज कैपेसिटी 4GB की इंटरनल मेमोरी है, एक्सपेंडेबल अप टू 128GB तक इसको आप बढ़ा सकते हैं, रियर कैमरा 2 MP, फ्रंट कैमरा 0.3 MP, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया में आप MP3, AAC, AAC+, EAC+ ऐसे बहुत से फॉर्मेट सॉन्ग्स चला सकते हो उस पर, लाउड स्पीकर है, अलर्ट टाइप है, कनेक्टिविटी में अच्छा खासा LTE है, 4G है फ़ोन, वाईफाई है इसको, NFC भी है, ब्लूटूथ भी दिया है, GPS भी है। 1500 रुपये में क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको इतना सारा मिल रहा है यार, ईमेल भी सपोर्ट करता है, लैंग्वेजेस भी है, जियो ऐप्स भी हैं, वॉइस असिस्टेंट है, टीवी को मतलब एक तरह से देखा जाए तो फ़ोन के फीचर्स एकदम ज़बरदस्त है फ़ोन है। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने जियो फ़ोन को प्रीबुक करा सकते हो और जियो फ़ोन के फीचर्स के बारे में। तो आप अभी फ़ोन को प्रीबुक कराने वाले हो या कुछ दिनों बाद रश ख़त्म होने के बाद इस फ़ोन को बुक कराने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए। और ऐसे मैं ऐसे वीडियोज़ टेक्नोलॉजी रिलेटेड लाता हूँ, जियो के रिलेटेड भी वीडियोज़ लाते रहूँगा, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।